जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, वैशाली नगर इलाके में फायरिंग हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, गांधी पथ पर ये फायरिंग। कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की। प्रॉपर्टी विवाद कारण यहां पर सामने आ रहा है। परिवादी ने पुलिस को सूचना दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कार सवार बदमाशों ने यहां पर युवक पर फायरिंग की। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवा दी है। डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सिंह सागर और एडीसीपी बजरंग सिंह शेखावत समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर। चित्रकूट थाना पुलिस इन आरोपियों की तलाश फिलहाल कर रही है। कार सवार बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की, वैशाली नगर इलाके में गांधी पथ की यह घटना। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर फिलहाल मौजूद हैं। यादवेंद्र, क्या ये पूरा मामला रहा, इस तरह से फायरिंग करना, किस प्रकार का विवाद उनका पहले से चल रहा था? हाँ देखिए मनीषा, बिल्कुल ये जो विवाद हुआ है बेसिकली ये आपसी विवाद है और ये तो दो गुट हैं, ये आपस में दोस्त थे और प्रॉपर्टी का एक बड़ा इशू था। इस इशू के चलते दोनों दोस्तों में यहाँ पर काफी कहा सुनी हुई और मारपीट की घटना हुई, क्योंकि घटना दो जगह हुई है। एक जगह यहाँ पर जो परिवादी है उसके साथ मारपीट हुई है, मारपीट के बाद में वो उसके जो साथी थे उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। उसके बाद जैसे ही जो युवक है वो भागने लगा, उसके बाद पीछे से जो युवक है वो कार में सवार होकर के आते हैं और आने के बाद उसको डराने धमकाने की नीयत से वो हवाई फायरिंग करते हैं। लेकिन जब मारपीट हुई थी, मारपीट के दौरान यहाँ पर जो एक परिवादी है, जो युवक है, उसके यहाँ पर पैर में चोट आई है और उसके पैर उसका जो फ्रैक्चर हो गया है। कुल मिलाकर के जो विवाद सामने आया, जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला प्रॉपर्टी का जो लोग कारोबार करते हैं उस प्रॉपर्टी के विवाद के चलते पैसे के लेन देन को लेकर के इनके बीच में आपसी विवाद हुआ था और इस आपसी विवाद के चलते रंजिश हुई और इस रंजिश के चलते ही फायरिंग की। इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे ही फायरिंग की सूचना मिली उसके बाद परिवादी है उसने अपनी जान बचाने के लिए जो स्थानीय थाना पड़ता है चित्रकूट थाना उसको सूचना दी। सूचना के बाद जो वैशाली नगर थाने की जो पुलिस है वो भी मौके पर आई, चित्रकूट थाने की जो पुलिस है वो भी मौके पर आई। वेस्ट जिले का जो तीन थानों का जो जाप्ता है वो मौके पे है और जहाँ युवक के साथ जो फायरिंग की थी, हवा में फायरिंग की थी, खाली गोली मौके पे बरामद हुआ। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। मगर जांच पड़ताल में जो पूरी बात आ रही है प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन को लेकर के पूरा ही विवाद चला रहा था, इसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मगर जैसे ही फायरिंग हुई उसी के चलते पूरे इलाके में इस कदर दहशत मच गई की कुछ अज्ञात हमलावर है जो आकर के यहाँ पर दहशत फैलाने की नीयत से यहाँ पर इस फायरिंग की घटना को अंजाम देके गए। मगर जब जांच पड़ताल हुई तो माजरा कुछ और ही निकला। फिलहाल पुलिस ने लगातार नाकाबंदी करा करके जो फायरिंग करने वाले जो कार सवार जो बदमाश हैं उनके खिलाफ है यहाँ पर मामला दर्ज करो, जांच पड़ताल करिए। चूंकि पूरा गांधी पथ से पूरा ये घटनाक्रम हुआ गांधी पथ पर, वैशाली नगर का जो गांधी पथ पड़ता है वहां पर, और उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने पूरे इलाके में बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी कराई है। इसके अलावा पुलिस ने जो लगातार सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल ली है जहाँ पर बदमाशों की जो लोकेशन ली जा रही है कि बदमाश कहाँ कहाँ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल यादवेंद्र, देखिए ये खतरे से खाली नहीं है इस तरीके से हवाई फायरिंग करना, क्योंकि अगर कोई पास से गुजर रहा होता या फिर किसी को भी गलती से गोली लग जाती तो यहाँ पर जनहानि हो सकती थी। निश्चित तौर पर मनीषा, चूंकि एक बड़ा पॉश इलाका पड़ता है और क्योंकि अभी लॉकडाउन का अनलॉक का जो तीसरा ही दिन है तो निश्चित तौर पर पुलिस ने पहले से ही यहाँ पर आशंका जताई थी कि क्राइम बढ़ना तय है और इसी आशंका के चलते, लेकिन अच्छी बात ये कही जाएगी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसे ही ये फायरिंग की घटना सामने आई विद इन 3 से 4 मिनट के अंदर पुलिस की टीम मौके पे पहुंच गई, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर अभी भी नाकाबंदी लगाई हुई है क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और अनलॉक किया है पूरे बाजारों को। तो ऐसे में जो पुलिस अभी भी अलर्ट है क्योंकि क्राइम बढ़ने की आशंका है, ऐसे में पुलिस यहाँ पर चौंका नहीं। लेकिन इतना जरूर है जिस तरीके से बदमाशों ने फायरिंग की उसके हिसाब से ये तय माना जा रहा है कि बिल्कुल लोगों के अंदर दहशत फैल गई है और तमाम जो लोग हैं वैशाली नगर थाने भी पहुंचे हैं और इसके अलावा चित्रकूट थाने भी पहुंचे हैं। तो उन्होंने इस तरह के जो बदमाश है, जो आपत्ति सामाजिक जो तत्व है जो लगातार इस तरह की दहशत फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में ये व्याप्त हो गया और लगातार वो पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं कि इस तरह के बदमाशों पर लगाम कसी जाए। तो निश्चित तौर पर जो आज पहली घटना आई है उससे कहीं ना कहीं पुलिस को इस बड़ा सबक मिलेगा। जैसे ही पुलिस अरेस्ट इन बदमाशों को अरेस्ट करेगी उसके बाद पता चलेगा कि इनका और कौन कौन से गुर्गे। बिल्कुल बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि वैशाली नगर इलाके में ये फायरिंग की घटना जनपद पर सामने आई है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कोई रंजिश चल रही थी और उसके बाद दोस्त थे वो उस युवक के और उन्हीं दोस्तों ने हवाई फायरिंग उनको डराने के मकसद से की थी।